ओके दिस इज एपिसोड नंबर 5 इलेक्शन इन प्रोग्रेस। निखिल गलत पढ़ रहे हो, इट इज नॉट इलेक्शन इन प्रोग्रेस। मैंने जान के नहीं पढ़ा, दिस इज कॉल्ड इलेक्शन इन प्रोग्रेस। आप पढ़ सकते हैं उसे, यहाँ नीचे आ रहा है। देखो, एक बीवी का फर्ज वही होता है अपने हस्बैंड की गलतियां निकालना। बीवी की वाइंस का फर्ज है कि हमें हंसाते रहें। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। यस, Hey, good morning, good evening, ladies and gentlemen. Namaskar, my name is Nikhil. Namaskar, everyone. I'm Bhani and I welcome you all to this Audio TV. This is a one-stop channel for all your entertainment on YouTube. And thank you so much, everyone, for giving us so much love and waiting for the next episodes of BB Ki Vines. उस टाइम पे कोई वेब सीरीज का इतना बड़ा कंटेंट निकालता तो मैं एकदम जंप इन करके ना सारे व्यूज ले जाते हैं उनके, एंड फिर ना एंजॉय नहीं कर पाते। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई अगर अभी तक तुम्हारे मिथ चल रहा है ना कि व्यूज इज इक्वल टू मनी, नहीं, ऐसा नहीं होता। कॉपीराइट, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, कॉपीराइट, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे कि काफी लोग हम इस करो अपनी गलतफहमियां दूर करो, जैसे कि काफी लोग इस चीज को स्किप कर चुके होंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस जस्ट जंप इनटू द वीडियो। मेरे पैसे कब देगा टीटू? मुझे तो लगा वो गिफ्ट था। पैसा कभी तोहफा नहीं होता और पलंग कभी सोफा नहीं होता। भाभी जी, आपने जो वादे की है उससे तो इस सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। लिफ्ट लगा दोगे? मुझे मम्मी बड़ी पसंद है। भाई साहब, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, आपने देखा था? मुझे पता किसने किया। किसने वेंच? इग्नोर कैसे करूंगा, तू क्या क्रेडिट कार्ड बेचने वाला है? आ, 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 आ। क्या ठंडी के बच्चे क्या? अच्छा गाली देख, देख गाली देने की ऐसी कोई बात है नहीं, मैं बस थोड़ा काम में उलझा हुआ हूं। हाँ बात करता हूँ बाद में। ओके। हाँ कविता। अरे नहीं यार, किसी काम में फंसा हुआ हूं, तुम बताओ। अच्छा, मेरे होते हुए ऐसा गिफ्ट कितना बड़ा है? 10 इंच, मतलब सीधा पेट तक। अरे क्या करोगी इतने बड़े नेकलेस का? अरे बाप रे, जीजा जी, ये मैंने क्या कर दिया? चल भाग टीटू, अगर अभी गाड़ी से निकला तो ये लोग तो बिना सुने मारेंगे। दीदी को बाद में समझा दूंगा, सॉरी जीजा जी। तो ये हुआ था। दीदी मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? मेरी बात। तूने मेरा मंगलसूत्र उजाड़ने की कोशिश करी। अरे मैंने तुम्हारा मंगलसूत्र देखा भी नहीं सच्ची। तूने मेरा सुहाग छीनने की कोशिश करी। दीदी मैं तुम्हारा स्वैग कैसे छीन सकता हूँ? अरे मेरा सुहाग, माय जेनिटल मैन। जीजा जी, तुम्हें सही में लगता है मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा? मार तो दिया ही, कोशिश क्या? दीदी एक चाय, एक मेरी भी। अरे वो बाल बकरी, जरूरी बात का जवाब दो ना, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? तुझे जैसे ही पता लगा कि हमें लॉटरी लगी है, तूने अपने जीजा जी को मारने की साजिश करी। दीदी मुझे लॉटरी के बारे में तो आज पता चला। जब तू छोटा सा था तो तेरे हर छोटे ख्वाब में पूरे करती थी, बाजार जाके इसके लिए खिलौने लेके आती थी, अपने कान खुजा सके इसीलिए अपनी गुड़िया की टांग काट के इसको देती थी, ये बेड पे मूत्रा दे इसीलिए अपना पल्लू बिछा के उस पे इसको सुलाती थी, जब ये बड़ा हुआ तो इसके कमरे के बाहर पहरा देती थी ताकि ये चैन से फैल कर आराम से योगा कर सके। याद है उस दिन मैं तेरे कमरे में आई थी, तू चादर के नीचे शवासन कर रहा था। ओह यस। इसके कमरे में घुसते ही फिसल जाती थी, सब भूल गया, घर में खाने को दही नहीं होता था लेकिन रोज फर्श से साफ करती थी। अरे चुप, और आज के बाद मुझे खूनी चेहरा मत दिखाइयो। आज से ना मैं तेरी बहना ना तू मेरा टिटू। तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी,
टूट जाओगी दीदी। एक चीज नोट करिए, जो ये टीटू का कैरेक्टर बनाया है, जिस हिसाब से गाना भी गा रहे हैं, तो वो जिस तरह से बोलते हैं उसी की तरह से है, कमेंडेबल। नहीं था प्लॉट नंबर सी 402। खैर बेटा, इन डिब्बों को भी बाकी तोहफों के साथ अंदर रख दे, और आप आज जल्दी सो जाना। क्यों? कल हमारे एरिया के नए शौचालय का उद्घाटन है। क्या? तो इनको रिबन काट के टट्टी करने के लिए बुलाया है। ये क्या चल रहा है? लॉटरी का आता पता ही नहीं है। टिकट पापा लॉटरी का। अरे भाभी जी, भाभी जी आइए आइए। प्रणाम भाभी जी, प्रणाम। करोड़पति कहाँ है? सोनी पे। अरे नहीं, आपके पति हमारे करोड़पति। बबलू जी, बबलू जी आइए आइए। क्या हो गया? अरे बाहर तो आइए। आइए बबलू जी, आ गए भाई। बबलू जी आ गए, आपके प्यारे बबलू जी। माला पहनाओ। बस। आप सब लोग जानते हैं आज का ये पल कितना बड़ा ऐतिहासिक पल है। बबलू जी, पूरी कॉलोनी को आप पर नाज है। आपको चंद्रयान दो याद? अरे यार पीछे से पकड़ो, पीछे से। संभलिए, आपको चंद्रयान दो याद है? जी जी। तो आपको लॉटरी लगना हम सब लोगों के लिए चंद्रयान दो के समान है। पूरी सोसाइटी के पट्टे खुल गए, कुत्ते फेल हो गए, बच्चे फोटो खींचकर हैशटैग रिच लाइफस्टाइल डाल रहे हैं, मर्द ठर्रा छोड़कर जेडी पर आ गए, औरतों ने जो गहने लॉकर में छिपा कर रखे थे अपनी ननद के डर से, वो उन्हें आज पहनकर शान से घूम रही हैं। क्यों बताइए? क्यों? क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि बढ़िया दिन आ गए, इनकी जिंदगी बदलने वाली है। और कैसे कैसे बदलने वाली है? कैसे कैसे? क्योंकि आप करेंगे इन सब लोगों का भला। हाँ, आपकी इसी दानवीरता उदारता के कारण हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। हम बनाएंगे आपका बबलू पुतला। पुतला? दुबे जी, वो जीपीएस ट्रैकर है ना, उस पे नाम लेते वक्त स्पेलिंग सही लिखना, कहीं बबलू का बबले ना हो जाए। बबलू का बबले? अरे भाई, हमारे चहीते का पुतला लाओ, लाओ भाई। आओ, फोटो हो जाए। क्या ये? I like this guy. और ए स्माइल मैच कीजिए इससे, और ऐसे हाथ में लॉटरी पकड़िए। हाँ, इसको कहाँ रखेंगे, बेंच पे? अरे नहीं, ये तो छोटा है, फर्स्ट ड्राफ्ट है। फाइनल ड्राफ्ट तो बहुत बड़ा होगा, इतना ऊंचा होगा, इतना ऊंचा होगा कि कोई तबीयत से भी पत्थर उछाले ना तो ज्यादा से ज्यादा शायद आपके गोटे छू जाए। तीन गोटे बेंच? लेकिन हमने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। अरे ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आप सिर्फ वादा कर दो, कर दो वादा। लेकिन हमें मंजूर है। अरे भाभी जी को मंजूर है, नाचो भाई नाचो। अरे ना हो। बार्टेंडर भी पक्का बीबी होंगे। क्या हुआ भुवन, कब से चुप बैठे हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। Okay. अरे बहरा थोड़ी ना हूँ, सुनाई देता है मुझे। पापा का कुछ समझ नहीं आ रहा है। He'll be fine. ऐसे केसेस में time is crucial. एक बात बताओ, ये मेमोरी लॉस के केसेस में कितने टाइम तक मेमोरी चली आती है? डिपेंड करता है, कई केसेस में कुछ साल पुरानी, कईयों में रीसेंट मेमोरीज। अभी पीछे ही हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था जिसको अपनी बीवी के अलावा सब याद था। क्या? तो वो झूठा था। He'll be fine. अंकल ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। कैसे ना लूं टेंशन, घर में इतने सारे पैसे आ रहे हैं, इसके बारे में पूरे इलाके में पता है, और सब लोग पापा की याददाश्त के पीछे पड़े। और आज तो पापा ने मम्मी को भैंजी बोल दिया। भैंजी? तुम कब जा रही हो? इन्विटेशन लेटर आते अप्लाई तो कर दिया मैंने।
तुम्हारे म्यूजिक स्कूल का क्या? एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसका रिप्लाई आएगा तो देखेंगे। सो यू आर पैशनेट अबाउट म्यूजिक, व्हाट्स योर टेस्ट लाइक? एल्टन जॉन, जॉन मेयर, यू टू, गुलाम अली, मेहंदी हसन साहब, जगजीत सिंह। जब मैं उदास होता हूँ तो मैं कुमार सानू सुनता हूँ, जब मैं खुश होता हूँ तो मैं ब्रूनो मार्स सुनता हूँ, और जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो लकी अली। ऐसा कोई मेरा स्पेसिफिक म्यूजिक में टेस्ट नहीं, लेकिन जो कानों को पसंद आ जाए कानों को खास। परफेक्ट, बहुत अच्छा आंसर था। क्या? नथिंग। म्यूजिक स्कूल जाऊं ना जाऊं, एक दिन जाऊंगा ना ये सोच के मैं जी लेता हूं। जाओगे पक्का? क्या हुआ मामा जी, आपने हमें मैसेज करके क्यों बुलाया भाई? दीदी और भांजे दोनों को लगता है कि मैंने जानबूझ के जीजा जी को उड़ाया, तुम्हें भी ये लगता है? सबको लगता है पापा को टीटू मामा ने उड़ाया। तुम्हें क्या लगता है? हम तो आपकी टीम में बैच हो। यही तो दिक्कत है, जिम्बाब्वे की टीम लग रही है ये। oh, no. सारे फालतू प्लेयर। एक 35 ml बना वे। एक 30 ml का नहीं होता मैच। 5 ml पश्चात आपके। तुम्हें पता है जब दीदी की शादी हो गई थी ना केजरीवाल के साथ, पूरे परिवार में कोई इतना नहीं रोया जितना मैं रोया था। वो इसलिए नहीं कि वो घर छोड़ के जा रही थी, इसलिए बिकॉज़ शी वाज़ लीविंग द हाउस। घर छोड़ के जा रही थी इसलिए वो घर छोड़ के जा रही थी, कॉज़ शी वाज़ लीविंग द हाउस। खुद ही बड़ा छोटे की केजरीवाल के साथ, लेकिन मुझे छोड़ने रोज जाती थी। वो तो जब मैंने साइंस के टीचर को चाकू मारा और भागा तो किसने बचाया? दीदी ने टीहर को हाकू। मुझसे ग्रेविटी का एग्जांपल पूछ रहा था, मैंने चाकू मार दिया आते बाहर। 1.65 ml बना बे। अना वही दीदी आज मुझे खूनी समझ रही है। That same brother of mine thinks मैं खूनी हूँ। क्या हूँ? खूनी। खूनी हूँ मैं? खूनी हूँ? मैं तो आपका सेंटेंस कंप्लीट कर रहा था ना मैच। मतलब आप स्कूल के दिनों से ही डेयरिंग थे? सिर्फ मेरे हक के पैसे के लिए वसूली करता हूँ मैं, और वैसे भी जमाना चेंज हो गया है, सब कुछ आजकल फोन पे हो जाता है, वह थप्पड़ और गांड जाके मारनी पड़ती है। जिस तरह मामा को समझा रहे थे उनकी बातों से लग रहा था कि कुछ और भी है जो हमें नहीं पता। देन टॉक टू हिम। रोटी नहीं चाहिए मादरचोद, मैं तेरे को पौवा पिलाया, ले ले रे डूड, इट रियली वर्क इंडीड डूड, ले ले। तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, सोचा नहीं था। ला 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 ओ दीदी। ला 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 तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, सोचा नहीं था। सुन बे, स्कूल में मेरी किताब पे दस्तखत करे तुमने, क्या बात है? टीचर को भी यही लगा के बाप के साइन थे। हाथ गंदे करे अपने क्योंकि मेरे नहीं पहुंचे, बचपन में साफ करके मेरी छींची दीदी। तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, सोचा नहीं था। मामा, वर्ल्ड हो। अरे भांजे, बैठ बैठ बैठ। नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो। अच्छा आप बैठ, तू बैठ ही। क्या लेगा भांजे? मैं नहीं पीता मामा। वेरी गुड, दिस इज पॉइजन बेटा, दिस इज फॉर अंडर कॉन्फिडेंट पीपल टू मेक देम लुक ओवर कॉन्फिडेंट। है मेरा 65 किधर है बेटा? मैंने कभी अपने परिवार वालों का बुरा नहीं सोचा। जीजा जी को मैंने जानबूझ के नहीं उड़ाया। उड़ाया अचानक कैसे आ गए मुझे नहीं पता। किसने?
किसी ने धक्का तो नहीं मारा? हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं बेटा नहीं, कुछ चीजें अपनी स्पीड में होनी चाहिए, दुनिया के हिसाब से गाड़ी वाले की, जाने की मेरी गलती है, इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेते। समथिंग नीड टू हैव देयर ओन फेस। आई लर्नड इट फ्रॉम कविता व्हेन आई वाज इनसाइडर। गो स्लो, टेक योर टाइम, बिल्ड द मोमेंटम। आहिस्ता आहिस्ता। मामा आई एम सॉरी, मैंने आप पे शक किया, मैं आपकी टीम में हूं अब। अब बनी 2011 की इंडियन क्रिकेट टीम। पर पता कैसे चलेगा किसने किया है? अरे हाँ, वहां कोई सीसीटीवी नहीं था क्या? केजरीवाल कर क्या रहा है? 20 रुपए सिक्का हो गया। ये बार्टेंडर भी है, मिलेगा। मुझे पता है तुम्हारे पिताजी गाड़ी के आगे कैसे कूदे। कैसे? 20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताऊं? ऐसे भैया क्या बहुत थोड़ा पप्पू है ये। मौका है वारदात के ठीक सामने एक खंबा है जो कि बहुत लंबा है, उसके ऊपर एक सीसीटीवी है जिसमें सब कुछ कैद हो चुका है। हैप्पी बर्थडे सुनैना, यू लुक रैविशिंग इन रेड। ओ दैट्स आवर हस्बैंड विद यू, आई एम सॉरी सर, ड्रिंक्स ऑन मी टुनाइट। तो फिर तो हमें वो फुटेज देखनी चाहिए। नहीं मिलेगी। क्यों? रही नहीं। 20 रुपए दो। 20 रुपए दोगे तो मुंह डाल के चले। उसको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। मेरे फोन में कब भेजे? मैं झूठ बोल रहा हूँ। नेहा के नीचे वाला मैसेज मेरा ही है। सुनैना जल्द जीना फॉर यू कमिंग बेबी। तू पागल तो नहीं है? 20 रुपए वेस्ट हो गए, गुल्लक भर दिया उसका। हट हट यार। ये देख ये देख, ये सारा ग्रीन स्क्रीन है ना? पीछे कर पीछे कर। हाँ। होला बेटा कमस्ताज ग्रासिया से मकर है ना। आओ। अरे मामा होला होला। अच्छा होला दूसरा भाई। इधर आओ। नहीं वो तो लखन है। ये मेरा फैलावा रहता है बेटा, इसे मैं ही समेटूंगा। तुम दोनों चलो मेरे साथ। और मैं बेटा चारों एक साथ जाएंगे, वीएफएक्स करने में गांड फट जाएगी। और मैं बेटा चारों एक साथ जाएंगे, वीएफएक्स करने में गांड फट जाएगी। अपेक्स ना, ये तो इसके ऑफिस में है। ना एंड एंड में आके ना खत्म होता है। Very good note. Yes. See you in the episode 6, ladies and gentlemen. Adios. Adios.